गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग अभी निकल गए हैं बेलूर से, अभी जा रहे हैं चिकमंगलूर। पेट्रोल का पूरा ख़त्म हो चुका है, रिजर्व पे खड़े ऑलरेडी 60 किलोमीटर चल चुकी है, बट आई नो दैट अप टू 100-120 आराम से गाड़ी खींच लेती है, बिकॉज समवेयर अराउंड 5 or 5.5 लीटर का रिजर्व है। सो आसानी से 120 तो जा ही चली जाएगी, देखते हैं। अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, वहाँ पे पेट्रोल ख़त्म था। यगाची डैम का बैक वाटर यहाँ तक फैला हुआ है, एक पेट्रोल पंप हमें मिल गया आसानी से, भारत पेट्रोलियम। वाह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे ऊटी में तब बहुत भीड़ रहती थी वैसे यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की। और आज है सैटरडे, कल संडे, तो दो दिन के लिए तो लोग भर भर के पड़े हैं यहाँ पे। शायद यही से अंदर लेना है, ये कॉफी प्लांटेशंस टू द लेफ्ट, रेड में भी वही होगा। इट्स कॉल्ड एज एक्चुअली होम ऑफ द इंडियन कॉफी। ये भी देखो, राइट में भी जैसे बोला था पूरा कॉफी प्लांटेशन। हाँ भाई, नेचर के बीच में इन्होंने होम स्टे निकाला है ढूंढ के, जबरदस्त।
हाँ, नेचर सीन होम स्टे। वन मिनट, आ गया अपना होम स्टे। तो ये है हमारा चिकमंगलूर का होम स्टे। और टुडे, कल हम लोग जाएंगे निकल के वापस बंगलोर। परसों काम पे भी जाना है। मस्त बंगलो है, वहाँ पे एक रूम मिला है अपने को। ये लंच ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस टी कॉफ़ी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही चल के नीचे, बिकॉज यहाँ पे नीचे बहुत सारे कॉफ़ी के खेत है, स्टेट्स है, तो वो हम लोग देखेंगे, वहाँ पे ही फोटोज निकालेंगे। और ये बहुत छोटे छोटे रास्ते, अभी हम जाएंगे पहले भाई खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। तो हमें जाना है राइट साइड में खाने के लिए, उसके बाद में कहाँ घूमना है क्या करना है वो देख लिया जाएगा। ये पहुंच गए किसी छोटे से गांव में, खाना खाने का देखना पड़ेगा। हाँ, एक रोड साइड छोटा सा होटल मिला, लेकिन खाना इतना बढ़िया था जो अच्छे से होटल में भी नहीं मिलता। सांभर और राइस। अभी आगे जा रहे हम लोग मुलियानागिरी पिक के लिए, छोटा सा ट्रेकिंग है वहाँ पे, देखते हैं पहले कितना सही है, नहीं तो फिर 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा पार्किंग के यहाँ पे। वाओ मैन, बस यहाँ पे जाना मिल जाए तो। वाओ, बाइक पार्किंग तिकडे आहे ना, वरतीच कुठे आहे मग।
शिट के अंदर रास्ते जाने के बाद के नजारे पीक के बाद आप जा रहे हैं एक वाटरफॉल को, बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है बट उसके लिए एटलीस्ट परमिशन नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जीप लेके ही जाना पड़ता है बिकॉज दे आर अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट। एटलीस्ट ये वाला जो है वो रोड पर ही है तो कुछ परमिशन की वगैरह ज़रूरत नहीं है इसको। वाओ यहाँ पे मिली गया हमें वो फॉग मिस्ट, वाओ पूरा ये अरे बाप रे पूरा विजिबिलिटी डाउन फॉग की वजह से। सही है भाई, जबरदस्त आखिरकार मिली गया हमें फॉग वाला रास्ता। अरे वाटरफॉल पे कर जाए छोटे छोटे जबरदस्त यार। काफी था डूब पड़ा या ना मिले बट इसमें चलाने का मजा आ गया भाई। डोंट नो ओ एडवेंचर पार्किंग बाप रे बाप
जबरदस्त है। इथं थांबूया आपण, तिथून जबरदस्त फोटो येते। चला अभी 1 किलोमीटर में वॉटरफॉल आएगा। ये हमारे होम स्टे के नीचे का जो रोड है वहाँ पे है। ये अंदर छोटे से घर, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया जैसा है। हाँ ठीक है केतन सी, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है अंदर, और बोथ साइड्स कॉफ़ी के प्लांटेशन से। देखो ये नीचे पूरा कॉफी प्लांटेशन है। ये पूरा कॉफी है नीचे। अरे हमारा बच्चा यहाँ से डोल मटोल करते हुए, अरे इकड़े नीट मत न चलना जरा, पूरा दौड़ रहा है यहाँ पे। अरे कैसे ऊपर चीज। ये रोड के बाजू में कुछ कॉफी के पेड़। हाँ बेटा Debout.